पत्रकार महोदय आँख में निकाल लेते, हम में ताकत है दलित वर्ग में, लेकिन समस्या क्या है, यहाँ सरकारी उन लोगों की बैठी है जो इस बाबा साहब के संविधान को लागू करने में शर्म महसूस करती है। सर सरकार बनाने में भी तो आप लोगों का ही रोल रहा है ना, आपने वोट दिया ना सरकार को। हम लोगों का रोल नहीं रहा इसमें, जो पूंजीपति लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो भगवा बाने के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी को खरीदना जानते हैं, यहाँ की मीडिया को खरीद करके ये सरकार बनी है, तो ये दलितों का शोषण करने के लिए सरकार बनी है। लेकिन दिल्ली का नहीं, पूरे देश का दलित जागरूक हो चुका है, इस सरकार को 2019 में मुँह तोड़ जवाब देगा यहाँ का दलित, यहाँ का बैकवर्ड, यहाँ का शेड्यूल कास्ट, यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी अब इकट्ठा होगा है, इस सरकार को ये बताएगा कि जितना आपने हमारा शोषण किया है उससे ज़्यादा हम आपका दबन करेंगे। क्या नेताजी आपको लगता नहीं है कि आप जो संगठन तैयार हुआ है तो उन्होंने काफ़ी देर नहीं कर दी है? देर से देर आए दुरुस्त आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, देर आए दुरुस्त आए, दिमाग में तो है, हमारी इच्छा तो है कि वहाँ जाने की, वो काम करने की, देर आए तो मजबूत होकर आए। राजकुमार जी आप बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, युवा है, और इस तरीके से लगता है कि आज बहुजन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मनोज जी बहुत सालों से सभी लोग प्रयास करते आए हैं, हमारे बुजुर्ग केएस कमल जी बहुत संघर्ष किया है, और इस संघर्ष का नतीजा है कि हम लोग अभी जागरूक हुए, लेकिन इस जागरूकता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपने आप ना करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हमारे संविधान में हमारे दलित समाज के लिए जो एक्ट था, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज के लिए जो एक्ट थे, उनको बारीकी से धीरे 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 धीरे, एक जैसे कि कहते हैं ना कि एक पेड़ में आप हल्का पेशाब करना शुरू कर दीजिए वो पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा, तो धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट को साथ लेकर, उसके जजों को साथ लेकर, हमारे समाज के उस संविधान को, बाबा साहब के संविधान को जो दलित समाज और एससी एसटी के लिए दिया, उसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो कितना भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लें, दलित समाज जाग चुका है, युवा जाग चुका है, आज हमारे बच्चे। राजकुमार जी डायरेक्ट हिट न करके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सोच है, उनकी सोच समझ के तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे संविधान की जो धारा उन्हें चेंज करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात कही है कि आप अगर लड़ते रहेंगे, संविधान मैंने दिया है, उन्होंने एक बात कही है लास्ट में मरने के टाइम पर कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूँगा, मैंने संविधान बनाया है, मैं संविधान के द्वारा जिंदा रहूँगा, इस संविधान को आप लोगों को बचाना है, तो संविधान अगर आप लोग बचा सकते हैं आपकी पीढ़ी हमेशा हमेशा खुशहाल रहेगी, और नहीं तो आप जो है वही हजारों साल पहले की व्यवस्था में चले जाएंगे जहां आपके गले में जो हांडी होती थी थूकने के लिए, पीछे झाड़ू लगी होती थी, आपको वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बहुत अच्छी बात है कि अभी राजकुमार जी ने बताया कि जो पहले हांडी गले के अंदर हुआ करती, झाड़ू पीछे हुआ करती, ये पूर्ण वही ला रहे हैं। हमारे बीच में निर्मल जैन जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पे काम किया है और आज दूसरे संगठन में शामिल है। मकेन जी आज आपने ये चक्का जाम करने का बीड़ा उठाया, आप सरकार के खिलाफ, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये बीड़ा उठाया आपने। मैं पार्टी के खिलाफ कोई धरना नहीं है, जो उच्चतम न्यायालय ने जो कानून बनाया है, जो था हमारा उसमें जो तब्दील कही है, उसके खिलाफ हम पहले समाज के साथ हैं, पार्टी हमारी है, पार्टी के साथ हम विचार, पार्टी एक विचारधारा है, जो हमारा समाज है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है वो सबके लिए है। सर अनंत कुमार हेगड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था हम तो संविधान ही चेंज करने आए हैं, जब आप जैसे लोग जब कोर्ट संसद में बोल रहे हैं और अपनी पद की गरिमा को दिखा रहे हैं तो आप लोग उस समय शांत थे? देखो हेगड़े साहब ने क्या बोला मैं उसका मुझे नॉलेज भी नहीं है, पर यह है कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जो बाबा साहब कह गए हैं हम उनके साथ हैं, पार्टी हमारी एक विचारधारा है, पार्टी हम किसी पार्टी के साथ रहें, पर पहले हमारा समाज और संविधान, हमारा संविधान बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। पार्टी कोई भी हो, किसी का राज होता है, उच्च न्यायालय का एक सोच होती है, हर कानून में चेंजिंग और तब्दीली है, जिंदगी का नाम या समाज का काम है, जो चेंजिंग करेगा वो जिएगा, चेंज करना जरूरी है, पर यह है कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ उसे बर्दाश्त नहीं कर जाएगी। चेंज करना जरूरी है तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रूल है कि हम संविधान को भी चेंज करेंगे? संविधान यही तो मैं आपको, आप बात घुमा रहे हो, बात जो मैं, हाँ
कि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी इस तरीके से निर्णय लेती है तो उसके अंदर सरकार को इन्वॉल्व कर दिया और सरकार के जो एडवोकेट जनरल अटॉर्नी सोलिसिटर वहां जाके अपनी बहस करते हैं, ओपिनियन देते हैं, लेकिन सरकार ने किसी को नहीं भेजा। देखो उच्चतम न्यायालय का अपना काम है, अपना एक कानून है, वो अपना संशोधन लाते हैं, वो कर सकते हैं। हमारा काम अधिकार है, जो हमारे साथ गलत हो रहा है हम उसकी पुरजोर विरोध करेंगे और आज इसीलिए भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। मानना है कि हम पहले समाज के साथ में, पहले हमारा समाज है, पहले संविधान है, बाद में पार्टी है। जी बिल्कुल, बाबा साहब पहले हमारे सर्वोपरि, जिन्हें हमें जीना सिखाया है और स्वान से रहना सिखाया है, जिसका जो आज महिला जो चल रहा है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए जो लागू आरक्षण, हमारे लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण सबके लिए, ये तो हमारा नाम बदनाम कर दिया गया अनुसूचित जाति, ये अनुच्छेद था, अनुसूचित जाति कोई नहीं है हमारा, ये तो कह दिया लोग चमार हैं, ये अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति कोई नहीं है, कोई ये अनुच्छेद नंबर था जो हमें संविधान में दिया गया था, अधिकार जो दिया गया था वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को अनुसूचित जाति कर दिया गया, पर जो संविधान के साथ छेड़छाड़ है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी पार्टी का समाज हो राज हो, पर अब पहले हम अपनी समाज के साथ हैं, समाज का उद्धार होगा तो हमारा भी उद्धार होगा। आपने यहाँ सुबह जब टेंट लगाया और यहाँ प्रदेश मुहिम चलाई तो यहाँ पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ में? देखो पुलिस हमारे साथ क्या ऑपरेट कर रही है ऐसी कोई दिक्कत, उन्होंने कहा शांतिपूर्वक होना चाहिए और हम शांतिप्रिय आदमी, पढ़े लिखे आदमी है, आज हमारे समाज से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई समाज में नहीं है और हम कानून संविधान सबकी गरिमा को रखते हुए उसको फॉलो करेंगे। जो उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, जो पिटीशन डाली है, उस पिटीशन का विरोध करेंगे। अभी कोई संविधान लागू नहीं होगा, जो चेंजिंग होनी है CST कानून में वो अभी कोई लागू नहीं हुआ है, तब अभी उसका पिटीशन डाली गई है, उस पर बहस चल रही है, बहस में जो होएगा हम उसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो लागू कर देंगे उसे तोड़ने का काम करेंगे।